जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आजादी के बाद से अब तक भारतीय सेना ने अपनी ताकत कई गुना बढ़ा ली है और इस बीच कई बड़ी बड़ी वॉर्स भी जीती है, लेकिन किसी भी जंग को जीतने में वेपन्स का भी बड़ा रोल होता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं 1947 से अब तक आर्मी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सर्विस राइफल्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सर्विस राइफल होती क्या है। तो दोस्तों सर्विस राइफल स्टैंडर्ड इशू राइफल के रूप में भी जानी जाती है। ऐसे राइफल्स को आर्म फोर्सेस अपने जवानों के लिए कई टेस्ट के बाद इशू करते हैं और ये राइफल्स लगभग सभी एनवायरनमेंट एंड कंडीशंस में इस्तेमाल की जा सकती है। साथ ही ये सभी राइफल्स सेम फीचर से लेस होती है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो सर्विस राइफलें पैदल सेना के सैनिकों को दी जाने वाली राइफलें होती हैं। वहीं भारतीय सेना ने स्वतंत्रता के बाद से ली इनफील्ड बोल्ट एक्शन राइफल्स, सेल्फ लोडिंग राइफल SLR और मॉडर्न समय में इंसांस को स्टैंडर्ड राइफल के रूप में इस्तेमाल किया है। लेकिन अब ये धीरे धीरे रिटायर की जा रही है और इनकी जगह अब नई राइफल्स ले रही हैं जो हर सिचुएशन में काम कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं भारतीय सेना में सर्विस राइफल्स की जर्नी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं ली इनफील्ड राइफल के बारे में। दोस्तों फेमस ली इनफील्ड एक बोल्ट एक्शन मैगजीन फिड राइफल है। इसे ब्रिटिश के जवानों द्वारा बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जाता था और ये ब्रिटिश मिलिट्री फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मेन बंदूक थी और दुनिया भर में 17 मिलियन यूनिट से ज्यादा ये राइफलें बनाई गई थी। तो ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं उस समय ये राइफल कितनी पॉपुलर थी। वैसे ली इनफील्ड राइफल का इन्वेंशन जेम्स पेरिस ली ने किया था। इस राइफल को शुरू में रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री द्वारा निर्मित किया गया। वहीं इनफील्ड राइफल को अपने नाम पर सबसे ज्यादा किल होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना को ली इनफील्ड राइफलें ब्रिटिश भारतीय सेना से विरासत में मिली थी। वैसे भारतीय सेना ने SMLE MK3 वेरिएंट का इस्तेमाल किया है जो राइफल फैक्ट्री ईसापुर पश्चिम बंगाल में तैयार की गई थी और SMLE का मतलब शॉर्ट मैगजीन ली इनफील्ड है। दोस्तों इस राइफल का वेट करीब 4 किलोग्राम था और ये एक बोल्ट एक्शन वाली राइफल थी। इसका रेट ऑफ फायर 20 से 30 शॉट पर मिनट था। इसमें 10 राउंड की मैगजीन लगती थी और .303 ब्रिटिश कार्ट्रिज इसमें इस्तेमाल होती थी और इसे इंडियन आर्मी के जवानों द्वारा 1963 तक इस्तेमाल किया गया है। वहीं 1962 वॉर के बाद में ये पाया गया कि ली इनफील्ड से लैस भारतीय सैनिकों में चीनी सैनिकों की तुलना में भारी कमी पाई गई। दोस्तों उस समय इंडियन आर्मी के जवानों के पास ठंडे इलाकों के लिए ना ही अच्छे कपड़े थे और ना ही अच्छी राइफल्स और ना ही इन्हें उस समय एयर सपोर्ट मिल पाया था, लेकिन फिर भी भारतीय जवानों ने इन सामानों के बिना भी बहादुरी से जंग लड़ी थी। तो दोस्तों ऐसे ही प्रॉब्लम्स को देखते हुए जवानों की राइफल्स चेंज किए जाने का प्लान बना और 1962 के भारत चीन वॉर के बाद इस राइफल को सेवा से हटा दिया गया। भारतीय सेना ने धीरे धीरे इन राइफलों को पुलिस फोर्सेस को सौंप दिया और फिर इस राइफल की जगह ईसापुर 2A और L1A1 SLR राइफलों ने ले ली। वहीं अब आइए जानते हैं ईसापुर 2A और 2A1 राइफल के बारे में। दोस्तों इस राइफल को ईसापुर 2A और 2A1 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक 7.62x51mm नेटो कैलिबर की बोल्ट एक्शन राइफल है। इसे 1963 में इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा रिजर्व आर्म के रूप में अपनाया गया था और ईसापुर 2A और 2A1 को लास्ट बोल्ट एक्शन राइफल होने का गौरव प्राप्त है। इसके बाद बोल्ट एक्शन राइफल नहीं बनाई गई थी। वैसे इसे स्पेशल स्नाइपर राइफलों के अलावा एक रेगुलर मिलिट्री फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब ये राइफल सेवा में नहीं है। दोस्तों ईसापुर 2A और 2A1 राइफल .303 ब्रिटिश कैलिबर SMLE MK3 राइफल पर बेस्ड थी और 1974 में इसका प्रोडक्शन बंद होने से पहले की कुल मिलाकर लगभग 2.5 लाख राइफलें बनाई गई थी। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस राइफल का वेट करीब 4.7 किलोग्राम है। इसमें 7.62x51mm का कार्ट्रिज इस्तेमाल किया जाता है। इसका रेट ऑफ फायर 20 से 30 राउंड पर मिनट है। इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 800 मीटर है। इसमें 10 और 20 राउंड की मैगजीन लगती है और इस राइफल का इस्तेमाल 1963 से 1970 तक आर्मी में किया गया था। वहीं अब इसके बाद आई L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल। दोस्तों L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल, इसे SLR राइफल के रूप में भी जाना जाता है, बेल्जियम के FN FEL बैटल राइफल का ये एक ब्रिटिश एडिशन है। दोस्तों भारतीय सेना ने अपनी ली इनफील्ड राइफलों को फेस आउट किया और 1963 में SLR को यानी 7.62mm राइफल 1A1 को सर्विस में शामिल किया। इसे ईसापुर 1A1 के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रोडक्शन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के आर्मामेंट फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली में होता था।
वहीं दोस्तों 1960 के दशक के दौरान सेमी ऑटोमेटिक राइफल की जरूरत महसूस की गई थी। तब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE ने कई ऑस्ट्रेलियाई, बेल्जियम और ब्रिटिश फेल राइफलों की जांच की। फिर ARDE ने फेल के अपने एडिशन का निर्माण करने का फैसला किया और इस राइफल का नाम राइफल 7.62mm 1A1 रखा गया था। लेकिन कुछ सालों बाद FN फेल एसापुर 1A1, 1A और 1C को 1998 के बाद धीरे धीरे सेवा से हटा लिया गया। फिर 1998 के बाद इंसांस राइफल ने इनकी जगह लेना शुरू कर दिया और इन रिटायर्ड राइफलों को CRPF, NCC और कई राज्यों के पुलिस फोर्सेस को दे दिया गया। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका वेट 4.37 किलोग्राम है। इसमें 7.62x51mm नेटो का कार्ट्रिज इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 800 मीटर है। इसमें 20 और 30 राउंड की डिटेचेबल मैगजीन लगती थी और इसको 1963 से 1998 तक इस्तेमाल किया गया था। वहीं दोस्तों इसके बाद आई AK सीरीज की राइफल्स जो पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। दोस्तों AK सीरीज की राइफल्स दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है और भारतीय सेना में कश्मीर जैसे इलाकों में ये राइफल काफी बड़ी संख्या में इस्तेमाल होती है। वैसे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए सेना इसको ज्यादा पसंद करती है और राष्ट्र राइफल्स के जवान भी बड़ी संख्या में AK सीरीज की राइफल्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर करंट की बात करें तो AK सीरीज के कई राइफल्स इंडियन आर्मी के सर्विस में हैं, जैसे AKM, AK-47 और AK-203 जो जल्द ही भारतीय सेना में देखने को मिलेगी। वैसे AK सीरीज की कई मॉडिफाइड वेरिएंट का भी भारतीय सेना में इस्तेमाल होता है, जैसे PMD-90, KMS-72, AR-M1 या AK-56 जो चाइनीज वेरिएंट है और आतंकियों से जब्त की गई है। ये वेरिएंट AK सीरीज की राइफल्स के डिजाइन से इंस्पायर हैं। दोस्तों AK सीरीज की राइफल्स भारतीय सेना में 1990 से इस्तेमाल की जा रही है और अलग अलग देशों से AK के मॉडिफाइड वेरिएंट लिए गए हैं, जैसे रसिया, हंगरी, रोमेनिया, चेकोस्लोवाकिया, जिनकी अपनी अलग अलग खासियतें हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद आई इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम यानी इंसांस। वैसे दोस्तों इंसांस राइफल को हर कोई अच्छे से जानता है और इंसांस राइफल का LMG वेरिएंट भी इंडियन आर्मी के सर्विस में है। वहीं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, CRPF, CISF, BSF और भारत में लगभग हर पुलिस फोर्स द्वारा बड़े पैमाने पर इंसांस राइफल का इस्तेमाल किया जाता है या किया गया है और 9 लाख से भी ज्यादा इंसांस राइफल बनाई जा चुकी है। अगर इसमें LMG को भी ऐड कर दें तो ये संख्या 10 लाख के करीब है और 1998 से इसे आर्मी में शामिल किया गया था। वहीं दोस्तों इंसांस के आर्मी में शामिल होने के एक साल के अंदर इंसांस को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला और 1999 के कारगिल वॉर के दौरान इन राइफलों का इस्तेमाल हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में किया गया था। लेकिन ये राइफल उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी क्योंकि इसमें जाम होने, ठंड के कारण मैगजीन फटने और राइफल के ऑटोमेटिक मोड में जाने की शिकायत थी। वैसे इस राइफल को बनाने का कॉन्सेप्ट ये था कि इससे वॉर के समय सिर्फ दुश्मन घायल हों ताकि उस घायल को ले जाने में 3 से 4 जवान और लगें, और ऐसा हुआ भी। लेकिन भारतीय सेना के सामने आतंकियों से भी निपटने का चैलेंज सामने आया, लेकिन आतंकियों से निपटने में ये इफेक्टिव नहीं थी और कुछ सैनिकों के मुताबिक इंसांस की एक गोली अपने टारगेट को मारने के लिए काफी नहीं थी। एक कंफर्म किल के लिए अक्सर कई हिट की जरूरत होती थी और ये छोटी गोलियां होती थी यानी 5.56mm कैलिबर की, इसी कारण ऐसा होता था। लेकिन बाद में इसमें कई सुधार किए गए और इसका नया वेरिएंट 1A1 बनाया गया। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई क्योंकि इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं लगाए जा सकते थे, इसलिए सेना कश्मीर घाटी में इंसांस राइफल का इस्तेमाल नहीं करती है और उसके जगह ज्यादातर AK सीरीज की राइफल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रकार इंसांस की इन सभी कमियों के कारण भारतीय सेना ने चौथी बार बड़े पैमाने पर अपनी सर्विस राइफलों को बदलने का फैसला किया। वहीं अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका वजन अराउंड 4 किलोग्राम है। इसमें 5.56x45mm नेटो का कार्ट्रिज इस्तेमाल किया जाता है और ये गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट असोल्ट राइफल है। इसका रेट ऑफ फायर 600 से 650 राउंड पर मिनट है और इसमें 20 और 30 राउंड की डिटेचेबल बॉक्स मैगजीन लगती है और ये 1998 से एक्टिव है। वहीं दोस्तों फिर 2002 में आई टवोर टार 21 राइफल। दोस्तों टवोर टार 21 इंडियन स्पेशल फोर्सेस की स्टैंडर्ड इशू राइफल है। टार 21 एक इजरायली राइफल है जो IWI कंपनी द्वारा बनाई गई है। साथ ही स्पेशल फोर्सेस टार 21, सी टार 21, एस टार 21 और X-95 वेरिएंट का इस्तेमाल करते हैं।
दोस्तों टवोर टार 21 ये एक इजरायली बुलपप असोल्ट राइफल है। वैसे बुलपप राइफल में मैगजीन ट्रिगर के पीछे लगती है और ये राइफल छोटी होती है दूसरी असोल्ट राइफल के मुकाबले। ऐसे में क्लोज कॉम्बैट के लिए यानी नजदीक की लड़ाइयों के लिए ये राइफल बेस्ट है। और टवोर 21 का मतलब होता है 21वीं सेंचुरी की टवोर असोल्ट राइफल। वहीं इंडियन स्पेशल फोर्सेस इस राइफल का बड़ी संख्या में इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये राइफल इंडियन सिचुएशन के लिए बेस्ट है। साथ ही टार 21 में 5.56x45mm की गोलियां इस्तेमाल की जाती है और ये राइफल 500 मीटर की रेंज पे आसानी से दुश्मन को मार सकती है। तो दोस्तों अब आइए बात करते हैं इंडियन आर्मी की सबसे नई राइफल 6769 के बारे में। दोस्तों भारत ने 2019 में अमेरिका से फास्ट ट्रैक समझौते के तहत 72,400 राइफल्स की डील की थी और इस डील की कुल कीमत करीब 700 करोड़ रुपए थी। साथ ही अमेरिका की सिक्स और कंपनी से सीधे इन राइफल्स को खरीदने की डील की गई थी और इस कंपनी ने 2020 से राइफल्स की डिलीवरी भी शुरू कर दी थी, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में 72,000 राइफल्स का और ऑर्डर दिया और इस राइफल को LAC और LOC पर तैनात फ्रंटलाइन जवानों को दिया गया है और इसे शूट टू किल राइफल भी कहा जाता है। वैसे 6 और 716 को 7.62x51mm राउंड फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 600 मीटर है और ये बिना आतंकियों के करीब जाए उन्हें निशाना बना सकती है। हालांकि ये फुली ऑटोमेटिक राइफल नहीं है, इसमें शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन ड्रिवेन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे चलाने वाले को कम झटका लगता है, यानी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और इसमें M1913 मिलिट्री स्टैंडर्ड रेल्स भी है जिन पर नाइट विजन डिवाइसेस, टॉर्च या मिशन की जरूरत के हिसाब से कोई और डिवाइस भी लगाया जा सकता है। और इस राइफल को खासकर LAC और LOC पर मौजूद जवानों के लिए मंगाया गया है। अभी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को मिलाकर 72,000 के करीब राइफल्स सर्विस में हैं, साथ ही 70,000 ऑन ऑर्डर में हैं। तो दोस्तों ये वो राइफल्स हैं जो मौजूदा समय में इस्तेमाल हो रही हैं। अब आइए जानते हैं उन राइफल्स के बारे में जो फ्यूचर में इंडियन आर्मी में शामिल होने वाली हैं और इंसास राइफल को रिप्लेस करने वाली हैं। तो दोस्तों इंसास राइफल को रिप्लेस AK-203 राइफल से किया जाएगा। वैसे रूस निर्मित AK-203 राइफल दुनिया की सबसे एडवांस और घातक राइफलों में से एक है। ये राइफल एक मिनट में 700 गोलियां दाग सकती है। इसे ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रेंज 400 मीटर से भी ज्यादा है। साथ ही इसमें 7.62x39mm की कार्ट्रिज इस्तेमाल होती है जो काफी पावरफुल मानी जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल रही होगी। वहीं आपको इनमें से कौन सी राइफल सबसे ज्यादा पसंद आई नीचे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।